हैप्पी मेहंदी डे टू यू। लिखा मैंने तेरा नाम, मतलब मेहमानों को मैंने घर पे बुलाया और ऐसे बिठाया है। Hi guys, this is Doll and welcome back to my YouTube channel. So I have woke up at 6 o'clock in the morning and आज मेरी मेहंदी है, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रांड शूट करना है। एक्चुअली ये ब्रांड शूट मैंने, मतलब मैं 17 के बाद आफ्टर एंगेजमेंट ही करने वाली थी, लाइक बिकॉज अभी बहुत ऐसा रश चल रहा है और मतलब शाम को फंक्शन भी है एंड आई वॉन्टेड कि मुझे ना कल रात को अच्छी स्लीप चाहिए थी। मतलब मेरा ऐसा प्लान था कि मैं आज लेट उठूँगी, मतलब मेहंदी को एकदम ऐसे ब्यूटी स्लीप लेके आराम से मेहंदी में बैठ जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ब्रांड वीडियो आ गई और मैंने तो सोचा कि 17 के बाद कर लूंगी, लेकिन फट से मेरे कल दिमाग में आया अरे हाथों में तो मेहंदी होगी एंड ब्रांड के लिए मोस्टली मेहंदी अलाउड नहीं होती, तो मैंने सोचा कि आज अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं जाके शूट कर लेती हूँ ख़त्म, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई एम गोइंग विद की आएगी मेरे साथ। अभी जस्ट बाथरूम से आके टॉवल पे रुकी है मेरे सामने और यहाँ पे मैं नज़ारे नहीं दिखा सकती, यहाँ पे भाविका एंड सौम्या सोई है और सौम्या को भी आज कॉलेज है, सौम्या का नसीब ही खराब है, हर किसी के एंगेजमेंट में उसकी एग्जाम होती है और खुद के बर्थडे पे भी एग्जाम ही होती है। तो मैं अभी फोन बंद करती हूँ क्योंकि कीकी को रेडी होना है, टॉवल पे रुकी है, कब कैमरा बंद करेगी। एंड यहाँ पे टेडी चालू हो गया, टेडी अरे टेडी, कल की नींद कंप्लीट नहीं हुई है आई गेस बिकॉज लिफ्ट में बैठ के काफी टाइम हो गया, लिफ्ट में रुके काफी टाइम हो गया लेकिन ग्राउंड का बटन ही नहीं था, दोनों भी ऐसे ही रुके और ये हाथ में लेके चल रही हूँ। आगे जाके बनी क्रॉक्स पहना, आई एम फीलिंग फ्रेश एंड मुझे फुल डे सर्वाइव कर लिया, उठ के 10 बार तो भी बोलिए आई एम फीलिंग फ्रेश, आई एम फीलिंग फ्रेश। पहली बार यूट्यूब में इतनी जिंदगी में मेरे बोर्ड्स के टाइम भी नहीं उठी, वो एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए शूट के लिए उठ गई, लेकिन लेट कमर। आई एम ऑन टाइम, काजल इज ऑन टाइम एंड वी वर वेटिंग फॉर राज, लेकिन राज लेट आया है। राज तू गाड़ी चलाएगा, मैं नहीं चला रही, इतना भी आगे बसते आ रहा हूं, नहीं नहीं आगे बसते हैं, मेरे को पीछे नहीं, मेरे को थोड़ा पीछे बैठना है। ड्राइवर चलो, ड्राइवर मेरी, ड्राइवर मेरी नानी को ड्राइवर बोलने नहीं आता, मेरी नानी बोलती है ड्राइवर, मुझे ड्राइवर बोल रहा है। आई एम नॉट अ ड्राइवर, यू आर अ ड्राइवर। मेरा फर्स्ट फ़ोन सैमसंग नहीं था, सॉरी, हाँ मेरे पास पहले नोकिया था, लेकिन नोकिया के बाद कोई एंड्रॉयड फर्स्ट फ़ोन रहेगा तो वो ये सैमसंग वाला है और इसका मैंने अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं किया, मैं इधर अभी करूँगी। yes. और इसके साथ मेरे को वीडियो बनानी है, पिंक कलर का फ़ोन और इस पे नज़र है राज की। तू क्या करेगा, पिंक कलर का फ़ोन नहीं, वो पिंक कलर का है, गर्ल वाला है, लगा दूंगा, नहीं कवर नहीं लगा सकता, ले कर ले अनबॉक्सिंग, खुशी कर, क्या मजा आता है ना ऐसे न्यू चीजों का अनबॉक्सिंग करने का। ए वाओ, बहुत हल्का, लुक्स नाइस यार, ये बहुत हल्का लग रहा है, प्राइस हल्का नहीं है लेकिन हां लेकिन लाइट वेट है, इट्स गुड, अच्छा है ना, हां बहुत अच्छा है। असिस्टेंट चलो 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 असिस्टेंट, वरना पगार कटोगी। ओह नो, अरे काटा नहीं, उसका दांत लगा है। अरे लेकिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं नहीं खून आता है ना तो लेना पड़ता है। स्ट्रीट डॉग था, बहुत फ्रेंडली था, साथ खेल रहा था और बीच में मैं चल रही हूं, वो ऑफेंड हो गया कि हाफ चड्डी क्यों पहन के, ये सब ने फुल पैंट पहना है, मेरे को मुझे नहीं समझा अभी तक क्यों काट के गया वो, मैं मेरा क्या लव बाइट दे रहा था, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ये फुल तू फुल जैसे बंडर सुतर के अगले दिन आते ना, वही सोच रही हूँ कैसे मिले थे, अभी मेरा हो गया, मेरे बाद डॉल है, डॉल का भी अभी हो रहा है, वहाँ अगला तेरा नंबर है, अगला तेरा नंबर है।
थोड़ा दिन खा ली, हाँ नहीं नहीं ऐसा, हाँ हाँ। Hi guys, so welcome back and सुबह मतलब सुबह के शूट के बाद मैं घर पे आई, आई डिडंट गेट टाइम, मैं फट से मैंने शावर लिया एंड आई स्टार्टेड लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी फॉर मेहंदी एंड इतना ज़्यादा क्योस था आज, मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक डे लग रहा था मुझे आज, मतलब लग रहा है बिकॉज सुबह एक तो मैं 6 o'clock को उठी, आई वेंट फॉर शूट एंड देन नाउ आई गॉट अप रेडी एंड मेरा ना स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, लाइक इट्स टू सेंसिटिव, तो एक दिन पे मेरे ऊपर 2 makeup नहीं चलते, लाइक मुझे ना रैशेस एंड इचिंग एंड जल जल होता है, तो मैंने सुबह का मेकअप वॉश किया और तुरंत मैंने दूसरा मेकअप इस पर अप्लाई किया और मुझे रेस्ट नहीं मिली, इसलिए मेरी स्किन एक मतलब मुझे तो एटलीस्ट आज एकदम से डल डल लग रही है, बट इट्स माई मेहंदी टुडे एंड मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आए हैं एंड आई नो आई हैव गॉट रेडी टू मच, ऐसे मुझे लग रहा है आज कि मैंने कुछ ज़्यादा ही रेडी हो चुकी हूँ, बट इट्स फाइन, मेरी लाइफ में ये दिन फिर से कभी नहीं आएगा, तो आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई डे। क्या कर रही है? इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा मैस है बिकॉज देर आर मेनी पीपल इन माई हाउस और ये मैस मुझे ही क्लियर करना है, हाँ बिकॉज यू आर माई ब्राइड्समेड। तो ये आउटफिट नहीं पहनने वाली थी मैं, कुछ और पहनने वाली थी एंड मैंने एकदम सबको ऐसे अचानक में भयानक झटका दे दिया और मेरी मम्मी, हाँ ये क्या, मेरी मम्मी तो ये उड़ी का हंसती है, छाने अरे खरच ड्रेस खूब छाने है ना, प्राइज नंतर सांगेल ओके। ये एक्सपेंसिव है ड्रेस, मतलब मेहंदी के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, ब्राइड आ गई है अभी तो मतलब जो मैंने ब्राइड का काम ही होता है लेट आना है ना, ये शौक जैसे राजेश देते हैं, हाँ शौक राजेश देते हैं, ये मेरा भी गॉड लुक एट आवर ब्राइड, सो सुंदर, वाओ कितनी प्यारी लग रही, गोल घूमो घूम रे घूम रे घूम रे घूम, कैसा लग रहा है आज, छोटी मेहंदी है कुछ महीने बाद बड़ी वाली मेहंदी होगी, लेकिन यार मतलब काजल ने सही बोला था कि वो ब्राइड के अंदर एक एनर्जी पता नहीं कहीं से तो आ जाती है, मतलब सुबह शूट के बाद एनर्जेटिक नहीं होती है, एक दिन आज शूट कैसे हो गया, अगर दिन में एक बार शूट करती है ना तो पूरा दिन बस सोती है, मतलब लेटती है मूवीज देखती है चिल करती है, आज क्यूट शूट करने के बाद एनर्जी, वो ब्राइड वाली एनर्जी, ब्राइड वाली एनर्जी मेरे अंदर, पर सुन पूरे साल रहे विक्की से मैंने बोला था नाम ढूंढ के दिखा, उसने नहीं ढूंढा था, मैंने उससे 5,000 लिए थे, कॉल कर सुन सुन मैंने 5,000 लिए थे, तूने एटलीस्ट 10 तो लेने चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, हाँ मैं ऐसी वाली दुल्हन नहीं हूँ फिर से आंटी इन शॉक, ये मेरी बेटी है, टुडे इज मेहंदी डे, डॉल्स मेहंदी डे, वी शुड सेलिब्रेट, दिस इज एवोकाडो, नो लेमन आई गेस, चल 1 2 3 हैप्पी मेहंदी डे टू यू, एक सेकेंड इतनी इज्जत मत दो मुझे, इतनी इज्जत नहीं दे रहे, वो देखो देखो भी आ गया, किधर गया, कल तक मुझे बोल रही थी बुक्कड़, आज मुझे खाने से नहीं, चलो हैप्पी मेहंदी डे टू यू, Happy Mehndi Day to you, you. Doll Pali Poo. Wow, it's nice. It's nice. Let me have it. आज मुझे सबसे बहुत इज्जत मिलती, इतनी इज्जत तो मिलती नहीं है, मेरे दोस्त और मेरी बहनें, मतलब मेरी बहनें इतनी इज्जत दे रही है, आई कांट बिलीव दिस यार, क्योंकि सबसे पहले केक जो आया मुझे खिलाया गया है काट के, इतनी इज्जत की आदत नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है आदत डालना पड़ेगा, लुक एट आवर ब्राइड सो सुंदर, मेरी मम्मी चाहती है कि ये दूसरी बिंदी लगाए लेकिन वो मान नहीं रही है, मम्मी ना उनको ना आंसर देना, तू दूसरी आन मचा दे, एंड सूजन इन द हाउस, आर्यन ए सूजन हाथ वर्दी। Thank you.
निकालने के बैठ गए, तुम लोग फट से डांस करना चालू किया, अभी मुझे फोमो फील हो रहा है, लेफ्ट आउट फील हो रहा है एकदम। डोंट वरी, मैं इधर शांति से बैठी हूं, तुम लोग यहां पे डांस कर रहे हो। नहीं नहीं, तेरा होने के बाद हम तेरे को भी डांस लेंगे पूरी रात। फिर मेहंदी का हाथ तेरे पे सपैक। टाइम बोल रही थी, अरे और बड़ा और बड़ा, लेकिन अभी समझ में आया। हेलो डॉल एंड हर कॉलेज फ्रेंड्स, सब पूछ रहे कि डॉल के हाथ इस हाथ पे क्यों मेहंदी में लगी इधर उधर, तो मैंने इनको बताया तुम सब लेट आए ना, तुमको अभी एक एक सुन तो तुम सब लेट आए ना, तुम लोग को सबको अभी एक एक लगाने के लिए उसने एक हाथ खाली रखा है। इतना मुझे आके बार बार पूछता था कि डॉलो तूने मेरा नाम लिखा है लिखा है लिखा है, तो लिखा है मैंने तेरा नाम, दिखाती हूँ मैं। और एक हिडन नेम भी है, लेकिन एक हिडन नेम भी है मेरे मेहंदी में, लेकिन अभी मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ और मेरी बहनें पैसे मांगने वाली, अगर इसने वो नाम इसका ढूंढ के नहीं निकाला तो मैं वो अभी नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम एग्जॉस्ट, आई नीड रेस्ट। मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ, बाहर गई हूँ, शूट की हूँ, एंड देन उसके बाद फट से आके शावर लेके आई गॉट रेडी फॉर दिस, फिर ये फंक्शन, एंड देन अभी मुझे ऐसा टाइम मिला कि मैं शांति से बैठूँ और खुद के बारे में सोचूं, तो आज वो नहीं करूँगी, कल करूँगी। कल रेडी रहना, कैश के साथ आना, मेरी सिस्टर्स पैसे मांगेगी तो दे देना, ठीक है। अभी बहुत गिफ्ट हो गए उसको, बस हो गए गिफ्ट। हाँ सही में बहुत गिफ्ट्स हो गए, लेकिन अभी बाय। एक गिफ्ट पता नहीं है इसमें शायद, कौन सा वाले ब्लॉग में एक गिफ्ट, हाँ अभी तक नहीं बताया मैंने, मुझे क्या गिफ्ट मिला है सरप्राइज, नहीं ये ब्लॉग तो उसके गिफ्ट के बाद ही आएगा ना। बाय दूल्हे राजा। अरे 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 अरे, लेकिन तू मुझे देख के गिर नहीं गया? ठीक है, घर पे जाके गिरना, ठीक है। तो मेहंदी इज खत्म एंड आई एम गोइंग टू चेंज माई आउटफिट। ये आउटफिट लिटरली 7 kgs का है एंड मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कब आउटफिट चेंज कर रही हूँ, कब बैक टू नॉर्मल क्लोथ्स पहन के सो रही हूँ। उठे हैं क्योंकि रेस्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, और इन्हें मैंने लिफ्ट में बोला है कि शूज पहनो बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट, एंड अभी हम सब लोग लंच करने जा रहे हैं, सब कजिन्स एंड फ्रेंड्स, मतलब ये सब तो अभी मेरे कजिन्स हैं और सब आगे ऑलरेडी पहुंच चुके। ओह नो, दिखाओ सबकी मेहंदी, लेडीज प्लीज शो योर मेहंदी। वाओ, मेरा भविष्य देख लो, जो नहीं नाचा वो बंदर का। वी आर डन विद द लंच, इट्स इवनिंग एंड अभी डांस प्रैक्टिस चालू है, एंड राज को कोई आइडिया नहीं है कि क्या सॉन्ग लिए क्या होने वाला है, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस चालू है। वी ऑल हॉट गर्ल्स आर गोइंग टू डांस टुगेदर। ये क्या
बहुत कलेश है पूरे घर में। और सीन में बताती हूँ, डांस प्रैक्टिस तो हमें कब की स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग इतने आलसी है कि कल लिटरली एंगेजमेंट है ना, अभी रात को हम लोग मतलब रात मतलब शाम को 7 बज गए हैं, 7 बजे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा पूरा सोलो पार्ट भी बाकी पेंडिंग है, राजा और मेरा डांस भी पेंडिंग है, और डांसेस बिठाए है, लेकिन एक डांस की कोरियोग्राफी अभी तक बाकी है। तो बहुत ज्यादा क्योस चल रहा है क्योंकि यहाँ पे घर पे छोटे बच्चे भी है जो करेंगे परेशान। कुश इसे भी हमारे साथ नाचना है। ये तो मतलब ऐसे हो गया है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे भी डांस करना है। आई एम ब्राउन मुंडे, हैंडसम मुंडे। 1 2 3 go। इसमें एक पार्ट है जहाँ पे ये लोग मुझे धक्का देने वाले हैं। आशिमा मुझे मैं नहीं धक्का दूंगी, क्या पता मैं तुझे और जोर से धक्का दे रही थी, मतलब उधर में जा रही। हो सकता है आशिमा का धक्का जोर से लग सकता है, जोश जोश में। यू नेवर नो, लड़की है। चंडीगढ़ वाले लोग, हमारे घर में स्वागत है आपका। हाँ, पहली बार, वो भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड। सब लोग यहाँ पे खाना खाने बैठे, तुम्हें भी खाना दूँ? ड्यूएट डांस है, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर बाद में याद आया कि हार्दिक को भी तो डांस आता है, हार्दिक भी करेगा वो वाले गाने पे। एक बार ही किया तो यार क्या किया, इधर बैठो, इधर बसो ना, इधर यार थोड़ा समझ लेना, शादी वाला घर थोड़ा ऐसे ही होता है। एकदम ठीक हूँ मैं, लेकिन मेरे को सच्ची में तेरे पे तरस आ रहा है, मतलब मेहमानों को मैंने घर पे बुलाया और ऐसे बिठाया है। मतलब वो हार्दिक, मैंने तुझे मेरे जगह पे बिठाया था, एक बार क्या पता बिठाया, उसने घर पे बिठाया था। ऐसे नहीं होता, ये शादी वाला घर ऐसे होता है। अरे उसके घर पे रिश्तेदार ही नहीं आए, तुम भाभी हो। नहीं, देख सौम्य ने इज्जत दे दी ना, सौम्य तो मेरी बहन है। अरे सौम्य ने इज्जत दी मतलब मेरी, ये बहन किसकी है? मेरी भाभी को। अरे भाभी नहीं यार, चलो तो राजा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे बबलू तू तो बहुत अच्छा डांस कर रहा है, मैंने सोचा नहीं था, सिर्फ कल ऐसे ही अच्छा डांस हो जाए। और भाभी जी और अच्छा कर रही है। भाभी नहीं यार, डर क्या, भूत नहीं आया तेरे लिए? रुक मैं बाहर जाती हूँ, रुक सौम्य आ रही है। कोई नहीं आया है, पागल बना। हाँ कोई नहीं आया, खुद के घर पे डर रही है, नहीं आया। कल तुम इसके आया, इधर देख नाम देख, अरे नाम देख, रुक जा, मैंने कुछ तो बोला लिखा है मैंने राज का नाम।